Y9 यानी कि 2019 फोन का अनबॉक्सिंग। जानेंगे इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर दिया गया, क्या कुछ इसकी कैमरा क्वालिटी, क्या इसके अंदर प्रोसेसर, क्या इस फोन का बैटरी बैकअप है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास Huawei का Y9 यानी कि 2019 का फोन, और ये फिलहाल Amazon की पैकिंग के अंदर। फिलहाल हम करते हैं रिटेल यूनिट का अनबॉक्सिंग। तो ये रिटेल यूनिट है, तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसको कर लेते हैं कट पहले। तो ये हो चुका कट, और इसके अंदर आपको मिलता है एक आपका फोन और एक आपको इनवॉइस कॉपी मिल जाती है। तो के बाद बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका डिजाइन मिलता है। तो ये रिटेल यूनिट Huawei Y9 2019 फोन की। तो कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसके अंदर दी गई है, इसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पॉइंटेड बाय और केस कंप्लीट जो मॉडल नंबर है इसके बारे में दी गई है डिटेल। तो यहाँ पर कुछ आपको EMI नंबर और मेड इन चाइना का ये प्रोडक्ट है आपको, और 4GB 64GB वेरिएंट में। कलर बात करें तो यहाँ पे ब्लू कलर और मॉडल नंबर आपको मिल जाता है बॉक्स पे। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको कट और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या मिलता है आपको देखने को। और एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ। डुअल कोर का CPU है जो 4x2.2GB के ऊपर काम वर्क करता है, प्लस 4x1.7GB पे भी ये वर्क करता है। 4GB 64GB के वेरिएंट में मिलता है। फुल HD का डिस्प्ले मिलता है, 16+2MP का फ्रंट कैमरा और 13+2 का रियर कैमरा मिल जाता है। वोल्टी यानी कि सपोर्ट करता है 4G वोल्टी को, फिंगरप्रिंट के अंदर मिल जाता है, और मिलती है आपको 4000mAh का बैटरी बैकअप। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट इसका इम्प्रेशन देखते हैं, यानी कि फर्स्ट लुक देखते हैं कैसा देखने को मिलता है। तो ये है Huawei Y9 2019 फोन, और इसके बाद कुछ EMI नंबर मिल जाते हैं इसके अंदर, और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक आपको सिम इजेक्टर पिन मिलती है, सिम इजेक्टर पिन के साथ आपको मिलता है एक के सॉफ्ट केस कवर। तो कुछ देख लेते हैं कैसा कलर डिजाइन इसमें। तो ये इसका फोन का सॉफ्ट केस कवर, और इसके अंदर मिलती है आपको एक पावर अडाप्टर जो Huawei की तरफ से है। और इस फोन का रेटिंग की हम बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा है करीबन आउटपुट जो इसका 5V 2A का है, और देखते हैं कि ये कैसी यानी कि नॉर्मल पोर्ट है या फिर सी पोर्ट में वर्क करता है। तो फिलहाल इसके अंदर नॉर्मल पोर्ट दिया गया है, यानी कि सी पोर्ट नहीं है, फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट इनको कर देते हैं साइड में, और फिर करते हैं इस फोन को, देखते हैं कि इस फोन का लुक कैसा है। तो कुछ इस तरह से प्रीमियम डिजाइन है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ एक बार बूट। तो चलिए मैं फटाफट इसको बूट करके दिखाता हूँ कैसे आपको इसको बूट करना है। के अंदर फिंगरप्रिंट है वो ऐड कर लेते हैं हम। इसके अंदर एक फेस लॉक है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए फोन वो स्टार्ट हो गया, पहले करेंगे हम इस फोन का फिंगरप्रिंट टेस्ट। तो जैसे हमने इस पे लगाया तो तुरंत ओपन। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के फेस अनलॉक की। तो बट विदाउट बटन प्रेस किए आपका फेस लॉक अनलॉक हो जाएगा। ये देखिएगा, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया है और फोन का लॉक है वो ओपन हो गया है। तो चलिए इसके पहले कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू की बात। तो बैक की तरफ हम बात करें, फिंगरप्रिंट मिलता है आपको, 13+2MP का कैमरा मिलता है, साथ में आपको LED फ्लैश मिलती है। ऊपर की तरफ हम बात करें तो एक आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक मिल जाता है। इस तरफ की हम बात करें तो आपको सिम ट्रे मिलते हैं। तो चेक करते हैं इसके अंदर कौन सा स्लॉट है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक डेडिकेट जो स्लॉट है वो होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट है, इसके अंदर आप दो नैनो सिम के साथ एक अपना माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो।
और नीचे की तरफ हम बात करें तो आपको एक ऑडियो स्पीकर, आपका माइक, आपका चार्जिंग पोर्ट और एक आपका ऑडियो स्पीकर मिलता है, सॉरी यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिलता है। और इस तरफ की हम बात करें तो पावर पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है। ऊपर की तरफ हम बात करें तो एक नोच, छोटा नोच वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपका डुअल कैमरा लगा हुआ है और बीच के अंदर आपका सेंसर वगैरह लगा है। और ऊपर की तरफ हम बात करें तो आपको एक आपका रिसीवर स्पीकर मिल जाता है। तो ये कुछ इस फोन का डिजाइन सबसे। और इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो मिलता है आपको 4000 mAh का, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं इस फोन के पहले सिस्टम अबाउट फोन के अंदर और देखते हैं कि इस फोन में क्या कुछ AMUI यानी कि डिवाइस है यहाँ पे। और AM जो वर्जन मिलता है वो आपको 8.2 का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन की हम बात करें तो 8.1.0 का इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन मिलता है। और CPU की बात करें तो 7.0 का आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है। और बात करें फोन स्टोरेज की तो आपको 64GB के वेरियंट में 53.36GB का स्टोरेज मिलता है। और एंड्रॉइड पैच की हम बात करें तो 1 नवंबर 2018 का मिलता है। तो ये इस फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन। चलिए तो इसके बाद टेस्ट करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये हमने एक फोटो क्लिक किया और इसके बाद करते हैं एक फ्रंट से फोटो क्लिक। तो देखते हैं फोटो कैसी इसकी क्वालिटी मिलती है। तो इस फोन का गैलरी ये रहा और फिलहाल इन सभी को स्किप करेंगे। तो इस फोन के बैक कैमरे की मैं बात करूं तो आपको थोड़ा फोन की फोटो क्वालिटी अच्छी है, बट फोन के अंदर थोड़ी ब्राइटनेस कम है, यानी कि येलोपन थोड़ा है। तो और फ्रंट कैमरे की मैं बात करूं तो काफी गुड क्वालिटी के अंदर जो है इमेजेज है ये आपकी पिक कर रहा है, काफी गुड मुझे लगा है इस फोन का। और इस फोन के अंदर जो है कैमरे क्वालिटी के अंदर काफी सारे मोड दिए गए, जैसे नाइट पिक्चर के और काफी पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। मोड के अंदर आपको ये देखिए HDR प्रो मोड और काफी सारे मोड इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और काफी सारे मोड जो है इसके अंदर अपडेट आएंगे और इसके अंदर आते चले जाएंगे। तो ये था इस फोन का एक छोटा सा ओवरव्यू और आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों इस फोन का एक वाटर टेस्ट सीरीज और एक बैंड टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक तो अब बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।